इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है केटी नाम की एक नर्स को दिखाते हुए, जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट का ख्याल रखती थी। लेकिन केटी इस समय एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट को CPR दे रही होती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो मरने के बहुत ही ज्यादा करीब थी। केटी ने बाकी सारे डॉक्टर्स के साथ मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन उस पेशेंट को बचा नहीं पाई। उस पेशेंट की डेड बॉडी केटी के ठीक सामने ही रखी होती है और केटी तो बार बार यही सोचते जा रही थी कि उसके पास मौका था उसे बचाने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। इस बात का केटी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केटी अब लोगों की पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी थी। वो तो पर्सनली पेशेंट्स की देखरेख करती, जो कि काफी अमीर हुआ करते थे। पर बात यह होती है कि हॉस्पिटल में हुए उस पेशेंट की मौत को वो आज तक नहीं भुला पाई थी। फिर भी वो गॉड के सामने रोज प्रे करती है कि उसका दिन सही सलामत रखे। यानी हमें पता चला कि केटी गॉड और इन सारी चीजों पर काफी भरोसा करती थी। वो अब सीधा निकल चुकी होती है अमेंडा नाम की एक बहुत ही बड़ी कोरियोग्राफर और डांसर के घर पर। दरअसल अमेंडा नाम की उस कोरियोग्राफर को कैंसर हो चुका होता है और वो भी एकदम लास्ट स्टेज पर चल रहा था, तो अमेंडा को अपनी देखरेख और घर के काम करने के लिए एक लेडी चाहिए थी। इसी सिलसिले में उसने केटी को अपने पास बुलाया। केटी बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थी, क्योंकि जब भी वो अमीर लोगों के घर में जाती, उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। वो होप कर रही थी कि बाकी दिनों की तरह उसके साथ बिहेवियर ना हो। केटी तो अमेंडा के घर पर पहुंचती है और उसकी प्रीवियस मेट से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अमेंडा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी और उसके सारे बाल निकल चुके थे। यानी इससे पता ही चलता है कि कैंसर की वो कौन से स्टेज पर मौजूद है। अमेंडा शुरुआत में केटी से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही थी, लेकिन हमें पता चलता है कि अमेंडा गॉड से रिलेटेड कोई भी चीजों पर विश्वास नहीं करती। यानी केटी और अमेंडा दोनों अपोजिट होते हैं, उनकी सोच भी एकदम अलग थी। अमेंडा ने जल्द से जल्द केटी को सारे काम बता दिए, जिसमें कि सबसे पहले उसे उसकी देखभाल करनी है और सारी दवाइयां खिलानी है, और तो और घर के सारे काम भी करने पड़ते थे। इसके बदले केटी को काफी अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रही थी। केटी को तो उसके घर में रहने के लिए एक छोटा सा रूम दे दिया जाता है, जहाँ पर वो अपना दिन गुजारेगी। इन सारी चीजों का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था, जिसमें कि उसने दिनों तक केटी को अमेंडा की देखभाल करनी पड़ेगी। केटी तो अब अपना काम खत्म करके सुपरमार्केट में से कुछ सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आ रही थी तो उसने देखा कि घर के अंदर एक आदमी आया हुआ है और वो अमेंडा के पास जाकर वो दोनों काफी सारे झगड़े कर रहे हैं। दोनों की आर्गुमेंट्स तो एक हीटअप लेवल तक पहुंच गए थे। उस आदमी के जाने के बाद केटी अब सीधा अमेंडा के पास चली गई थी। अमेंडा उस समय काफी ड्रंक भी होती है, लेकिन अब वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगे। केटी यहाँ पर पूछ नहीं पा रही थी कि आखिर वो आदमी था कौन। अमेंडा अब केटी के बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगी कि आखिर तुम्हें ये जॉब क्यों पसंद है और इससे पहले तुम कहाँ काम करती थी। केटी ने बताया कि इससे पहले मैं एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और मुझे इसमें पूरे 2 साल हो चुके हैं। लेकिन फिर उसके बाद केटी ने पर्सनल असिस्टेंट का जॉब ले ली। हालांकि इस जॉब में बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, पर केटी को ये अच्छा लगता था। केटी ये भी बताती है कि मुझे गॉड की आवाजें आती हैं, उन्हीं के वजह से मैं इस रास्ते पर चली हूँ, जो कि लोगों की एक तरीके से मदद करना हो गया, और ये सारी चीजें उसी गॉड पर बिलीव करने से ही हुई हैं। केटी तो यहाँ तक भी सोचने लगती है कि गॉड ने जिस तरीके से उसे इस फील्ड में आने के लिए कहा था, शायद इससे अमेंडा की जान बच जाए, और उसकी जान बचाने वाली वो खुद ही है। इसीलिए केटी पूरा ट्राई करने लगी कि अमेंडा के पास जितने भी दिन बचे हुए हैं, वो उसे बहुत ज्यादा रिलीजियस बना दे और एक होप दे कि वो इतने समय को भी काफी अच्छी तरीके से जी सकती है। केटी अपनी पूरी कोशिश करने लगी अमेंडा को हर एक चीज बताने की जो गॉड से रिलेटेड थी। हालांकि अमेंडा इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं करती, लेकिन केटी को खुश करने के लिए वो नाटक करने लगी थी इन सारी चीजों पर बिलीव करने का। केटी को भी कुछ समय में देखकर यही लग रहा था कि अमेंडा रिलीजियस हो चुकी है, पर असली सच्चाई तो अमेंडा को ही पता थी कि वो किस तरीके का नाटक करके उसे झूठ कह रही है। अमेंडा का चेहरा देखने पर तो जैसे लग रहा था कि वो केटी का मजाक उड़ा रही है, पर यहाँ भोली भाली केटी काफी इम्प्रेस हो जाती है अपनी एबिलिटी से कि उसने एक नास्तिक को आस्तिक में कन्वर्ट कर दिया, और वो इसी तरीके से आगे चलकर लोगों की मदद करती रहेगी। पर उसे क्या पता कि थोड़े समय के अंदर अंदर उसका सामना ऐसी काली शक्तियों से होने वाला है जिससे उसकी जान जा सकती है। अब अमेंडा के घर पर कैरल नाम की एक लेडी आना स्टार्ट कर देती है। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि अमेंडा के साथ सेक्सुअल सीन्स किया करती थी। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अमेंडा एक लेस्बियन होती है।
केटी को भी जब ये सारी बातें पता चली तो वो काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अमेंडा को गॉड के अच्छी तरीके से आस्था दिला दे, जिससे कि वो अपनी जिंदगी के बचे हुए पलों को गॉड के चरणों में निछावर कर दे। लेकिन अगर वो इससे भटकती गई तो अमेंडा को मरने के बाद काफी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। केटी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने कैरल को ये सारी चीजें करने से मना किया और वहां से उसे भगा दिया। ये बातें अभी तक अमेंडा को नहीं पता चली थी कि कैरल को केटी ने हटाया है। कैरल तो धार्मिक आस्था की बात सुनकर ही वहां से चली गई थी। अमेंडा को जब यहाँ कैरल के बिना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था तो उसका दिमाग चकराने लगा। वो तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और दोस्तों के साथ पार्टियां भी करती है। लेकिन कैटी, जो कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारती थी, वो ये समझती है कि अगर गॉड के प्रति आस्था रखनी है तो ये सारे बेकार के काम नहीं करने चाहिए, और उसे पता था कि अमेंडा उसकी बात मान रही है। पर इस तरीके से ये नशा करना और सेक्सुअली इंटीमेट होना, ये सब उनके अगेंस्ट था। अब यहाँ कीटी जब रास्ते पर मौजूद थी तो उसे जॉय नाम की अपनी एक स्कूल फ्रेंड मिलती है। जॉय सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि कीटी के साथ हॉस्पिटल में भी नर्सिंग का काम किया करती। जॉय को जब पता चला कि कीटी अभी भी नर्सिंग का काम करती है, जॉय तो अब यहाँ कीटी से पूछने लगी कि क्या तुम्हारी करंट एम्प्लॉयर को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है कि नहीं। कीटी ने कह दिया था कि मैंने डिटेल में नहीं बताया। जॉय तो जाने से पहले कीटी को अपना नंबर देती है और जरूरत पड़ने पर उसे कॉल करने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी डिपार्टमेंट में काम करने लगी थी जो कि चर्च से रिलेटेड था। किटी जब यहाँ पर घर पहुँचती है तो उसने देखा कि अमेंडा अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर रही है। उसने काफी सारी दारू पी ली थी जिससे वो नशे में होती है। साथ ही साथ उसने कैरल को भी वापस बुला लिया था। अब ये बातें केटी को बहुत गुस्सा दिला रही थी। उसने अमेंडा के ऊपर इतना भरोसा किया और उसके ऊपर टाइम स्पेंड भी कर रही है, लेकिन अमेंडा ने ये गलत काम करके उसकी बेइज्जती की है। इसीलिए अब केटी काफी गुस्से में जाकर अमेंडा को चाटा मार देती है। इस तरीके से अपने एम्प्लॉयर के ऊपर हाथ उठाने के कारण केटी को जॉब से ही निकाल दिया जाता है। अब केटी बहुत ही ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि वो गॉड के प्रति भावनाएं रखती थी और उन्हीं के दिखाए गए पाथ के ऊपर चलती जा रही थी, पर उसे आखिर में यही सारी नाकामयाबी मिलती जा रही होती है। उसे ना तो अब पैसे मिलते थे और ना ही लोगों की इज्जत। एक तरीके से केटी का मन ये सोचने लगा था कि गॉड के प्रति आस्था रखने के बावजूद भी उसे वो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अब काफी गुस्सा होकर केटी ने डिसाइड किया कि वो गॉड के प्रति अब आस्था ज्यादा न रखते हुए वो सारी काम करेगी जो अमेंडा करती थी, यानी कि नशा करना, क्लब्स में जाना और बहुत सारी सेटिस्फाइंग चीजें करना। केटी सीधा क्लब में जाकर एक ग्रुप को ज्वाइन करती है जो बहुत ही ज्यादा नशे में थे। साथ ही साथ वो एक आदमी की तरफ अट्रैक्ट होकर उसके साथ इंटीमेट होने लगी। लेकिन अब इंटीमेशन के एकदम बीच में ही केटी को कुछ याद आता है। ये वो मोमेंट था जब वो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और CPR प्रोवाइड करने के बावजूद भी उससे गलती से एक पेशेंट की मौत हो गई। केटी उस मोमेंट को सोचकर बहुत ही ज्यादा सहम जाती है, क्योंकि वो पहली बार था जो उसके हाथ से कोई मरा हो। केटी अपने आप को ही गिल्टी मानती थी कि ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई हैं। और सबसे अजीब बात तो ये होती है कि इस इंटीमेशन के बीच में उसे ये थॉट आ रहे थे, जो बहुत ही वियर्ड होता है। केटी अब शर्माकर तुरंत ही वहां से भाग जाती है। केटी को तो उसी मोमेंट के बाद से काफी स्ट्रेंज आवाजें आने लगी। ये आवाजें कुछ इस प्रकार थी कि जैसे केटी को कोई बुला रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी और सेल्फ कंट्रोल खोती चली गई। एक समय में तो केटी अपने कमरे में अपने आप ही लेविटेट होते हुए दिखाई देती है। वो अपने शूज के अंदर काफी नुकीले कीले लगाकर घूमने लगी, जिससे कि उसे दर्द हो। अब केटी उस नए मेट से मिल रही थी जो कि अमेंडा की देखरेख करती है। वो जाकर उससे बातचीत करती है ताकि अमेंडा के बारे में कुछ पता चल सके। केटी को ये रियलाइज हुआ कि अमेंडा इस नए मेट के साथ काफी खुश है, जिससे उसके अंदर एक जलन की भावना जागने लगी। ये सारी बातें तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो एक सुपरनैचुरल चीज एक्सपीरियंस करती है। उसके घर में जो गॉड के क्रॉस का निशान मौजूद था, वहां से ही कोई आवाजें आती हैं जो किसी अलग ही लैंग्वेज में बोल रहे थे। पर ये सारी बातें केटी अच्छी तरीके से समझती है। वह आवाजें सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम्हारा टाइम नजदीक आ गया है और तुम शुरुआत से ही किसी हाईली पावर्ड एंटिटी के साथ जुड़ना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें वो रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा जो हम तुमसे कह रहे हैं। केटी ने जो आवाजें सुनी थी वो उसी के हिसाब से प्रिपेयर होने लगी और वो किसी खतरनाक विच जैसी दिखाई दे रही थी। उसी समय केटी के घर पर उसकी फ्रेंड जॉय आ जाती है। जॉय को केटी की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि उसकी हाल ही में जॉब गई होती है।
जॉय तो यहां पर किटी के पास आकर उसे कंफर्टेबल फील करा रही थी कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। जॉय यहां पर किटी से माफी भी मांगती है कि लास्ट टाइम उसने उसकी जॉब का मजाक उड़ाया था। केटी ने सिंपली जवाब दिया कि मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और जॉय उसे एक नए जॉब के बारे में बताने लगी। पर यहाँ हमें पता चला कि केटी तो अब अपनी नर्सिंग की जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे पहले ही एक खतरनाक जॉब मिल चुकी है जो गॉड ने उसे दिया था और वो उसे पूरा करेगी और आगे बढ़ेगी। जॉय बोलती जा रही थी और केटी खिड़की के पास आकर आसमान की तरफ देखती है। आसमान के तो एक तरफ सर्कुलर चीज बनती जा रही थी जिसे कि वो बहुत घूर के देखती जा रही होती है। किटी को ऐसा लगा कि गॉड उसके सामने अपीयर हो रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो उनका टास्क कंप्लीट करे, यानी कि अब किटी को वो सीक्रेट टास्क करना ही होगा जो गॉड ने उसे कहा है। केटी तो एक क्रिश्चियन वाले कपड़े को पहन लेती है जो कि गॉड को ही दर्शाता था और वो सीधा चली गई थी अमेंडा के घर पर जब उसकी मेड वहां पर नहीं होती। हमें दिखाया गया कि अमेंडा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है और उसके मरने का समय काफी नजदीक आ चुका है। केटी तो अमेंडा के पास जाकर उसकी तरफ देखकर बहुत ही भावुक हो जाती है। यहाँ अमेंडा ने पहली बार केटी से माफी मांगी अपने कर्मों के कारण, क्योंकि लास्ट टाइम उसने बहुत बेइज्जती करके केटी को यहाँ से भगा दिया था। केटी तो एक तरीके से अमेंडा को सुधारना ही चाहती थी ताकि वो गलत काम ना करे। अमेंडा शुरुआत से ही माफी मांगती है क्योंकि उसे पता था कि उसके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। केटी भी अब अमेंडा को कह रही थी कि तुमने गॉड को एक्सेप्ट किया है तो गॉड ही तुम्हें ठीक करेंगे, बस तुम्हें उनके ऊपर भरोसा रखना होगा। लेकिन अमेंडा ने नशा किया था और वो सारे रूल्स तोड़े थे जो कि एक पवित्र इंसान होने के सबूत होते हैं। इसीलिए अब केटी एक बकेट के अंदर हॉली वाटर लेती है और उसे अमेंडा के सर पर गिराने के लिए जाती है ताकि वो पवित्र हो जाए। लेकिन अमेंडा ये चीजें करने से एकदम मना कर रही थी क्योंकि वो पहले से ही एक नास्तिक होती है जो ईश्वर में बिलीव नहीं करती और वो इसी तरीके से मरना चाहती थी विदाउट किसी रिचुअल के। केटी बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी लेकिन अमेंडा अंत में जाकर ये बोल देती है कि तुम जब मेरे पास थी तो मैंने गॉड के ऊपर बिलीव करने का नाटक किया। मैं शुरुआत से ही इन चीजों पर भरोसा नहीं करती लेकिन तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने ऐसा शो किया। केटी को जब ये सच्चाई पता चली तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। उसने अपने गॉड की सारी चीजें अमेंडा को सिखाई और उसे फॉलो करने के लिए कहा, लेकिन अमेंडा सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी। पर अब अचानक वो जैसे ही अमेंडा के पास देखती है तो वो एक खतरनाक डीमन में कन्वर्ट हो गई। वो डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और केटी को आकर तुरंत मारने लगा। उसने तुरंत ही फोर्स लगाकर केटी को काफी दूर फेंक दिया था। केटी अब समझ जाती है कि गॉड ने आखिरकार उसे क्यों चूज किया है, वो इसीलिए ताकि मैं इस खतरनाक डीमन को मार सकूं। केटी अब पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो गई थी उन गॉड की बातों से और एक सीजर लेके तुरंत ही उस डीमन के ऊपर हमला कर देती है। उसने उसके गले पर मार दिया और वो डीमन वहीं पर मारा गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि बेड के ऊपर किसी डीमन की नहीं बल्कि अमेंडा की ही डेड बॉडी पड़ी हुई है और यहाँ साफ साफ पता चल रहा था कि केटी सिर्फ हेलुसिनेट कर रही थी और उसने अमेंडा के बुरे कर्मों को एक डीमन की तरह कन्वर्ट कर दिया जिसे कि उसने अपने सीक्रेट टास्क की तरह खत्म ही कर दिया होता है। लेकिन एक मर्डर करने के बाद केटी के चेहरे पर जरा भी दुख की भावना नहीं लग रही थी। वो सोचती है कि अब उसने गॉड का काम खत्म कर दिया है तो गॉड उसे हेवन में बुला लेंगे और उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। यहाँ पर हमें एक शॉकिंग रियलिटी पता चली कि केटी ने हॉस्पिटल में सबसे पहले एक पेशेंट को CPR देते समय उसे नहीं बचा पाई थी, वो एक्चुअली में केटी ने ही उस आदमी को मारा था। क्योंकि केटी को शुरुआत से ही ऐसे हेलुसिनेशंस आते रहते। केटी समझती कि वो गॉड की एक स्पेशल चाइल्ड है जिसे कि उन्होंने एक स्पेशल काम के लिए चुना है। केटी तो अब सीधा वहां से बाहर निकल जाती है और उस बड़े से स्ट्रक्चर के पास चली जाती है जो कि उसे आसमान में दिखाई दे रहा था। वहां पर तो सच में सर्कुलर वे में ही काफी रोशनी निकलने लगी होती है और अब यही रोशनी सीधा केटी के ऊपर पड़ने लगी। केटी तो अपने साथ में एक फ्लेमेबल लिक्विड लेकर आई थी जो कि अपनी बॉडी पर गिराना स्टार्ट कर देती है और अगले ही मोमेंट में उसने अपनी बॉडी पर आग लगा ली। केटी पूरा का पूरा जलने लगी और उसकी आवाजें लोग सुन पा रहे थे। हमें तो अब केटी के पीठ के ऊपर विंग्स दिखाई देते हैं जो और किसी की नहीं बल्कि एंजल्स की निशानी थी। बीच के ऊपर जितने भी लोग होते हैं जब वो ये सारी चीजें देख रहे थे तो वो अपने घुटनों पर बैठकर उसे सम्मान देने लगे। केटी तो वहां पर सिर्फ चिल्ला रही थी जैसे उसकी बॉडी को हेवन में नहीं बल्कि हेल में लेकर जाया जा रहा है क्योंकि उसने जाने अनजाने में कई सारे मर्डर्स कर दिए थे और ये सारे मर्डर्स करने के लिए ईश्वर उसे कभी भी नहीं कहेंगे।
ये सारी की सारी चीजें केटी के मन में चल रही थी और उसकी जो बुरी भावनाएं होती हैं उसने ही उससे ये कराया। भले ही कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी, लेकिन इस पूरे सीन में डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स ने यही दिखाया है कि आखिरकार अगर कोई इंसान अपने रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करे तो क्या हो सकता है। केटी के माइंड में वो सारी चीजें तब से आना स्टार्ट हुई थी जब हॉस्पिटल के अंदर उसने एक पेशेंट का मर्डर कर दिया था। वो जब उसे CPR दे रही थी तो उसने बहुत ही तेज दबा दिए उसकी रिब्स को, जिससे कि उस पेशेंट के रिब्स ही टूट गए और वो वहीं पर मारा गया। केटी उस पूरे इंसिडेंट का जिम्मेदार अपने आप को ही मानती है, इसीलिए वो सारी चीजें भुलाने के लिए वो गॉड की तरफ निछावर करने के लिए चली गई। केटी को लगने लगा कि अगर वो गॉड के नाम बोलेगी और उनके लिए पूरी जिंदगी निछावर कर देगी तो शायद गॉड उसकी गलती को माफ कर देंगे। लेकिन इस कहानी में हमें एक भी बार नहीं दिखाया गया है कि आखिरकार केटी किसी चर्च में जा रही है या फिर किसी तीर्थस्थल पर जा रही है। वो तो अपने दिमाग में गॉड की एक आकृति बना ले रही थी जिसकी आवाज उसे सुनाई देती और वो किसी को भी जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है उन्हें गॉड का एक टास्क समझ लेती। एक तरीके से केटी के दिमाग में ये चीजें चल रही थी और उसे एक डिसऑर्डर हो जाती है जिससे कि वो उन चीजों को रियलिटी में लाने लगी थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि जिस तरीके से केटी का कैरेक्टर दिखाया गया है वो ब्लाइंडली फॉलो करती है अपने ईश्वर को। ईश्वर के सामने वो किसी को भी बड़ा नहीं मानती और अगर जो लोग ईश्वर के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो वो उसके दुश्मन बन जाते। अमेंडा एक नास्तिक थी और उसे ईश्वर पर भरोसा नहीं था और जब उसने केटी के सामने ये सच्चाई बताई कि वो नाटक कर रही थी ईश्वर के प्रति आस्था रखने की, तो केटी ने उसे अपना दुश्मन मान लिया और उसे एक शैतान समझने लगी। बल्कि ये तो केटी के मन में चल रहा था जो कि उसने सजा देने के लिए अमेंडा को ही मार दिया और ये सिर्फ और सिर्फ उसके हेलुसिनेशन के कारण हुआ है। बाकी अगर बात करें इस पूरे कहानी के प्लॉट की तो वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पूरे कहानी का एक ही सार निकल कर आता है कि किसी भी धर्म को ब्लाइंडली फॉलो ना किया जाए, पूरे होश और आवाज में अपने डिसीजंस लेने चाहिए जो कि खुद के और दूसरे के लिए भी एकदम सेफ हो। जिस तरीके से बीच पर केटी ने खुद को जला लिया था वो तो समझ रही थी कि उसने गॉड का काम खत्म कर दिया और वो हेवन जा रही है, लेकिन बाकी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो तो सिर्फ इतना ही देख पा रहे होते हैं कि एक लेडी ने खुद को आग लगा दी और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। वो सारे लोग जो घुटने टेक कर उसका स्वागत कर रहे थे वो सिर्फ केटी के मन में चल रहा था। बीच पर मौजूद सारे लोग तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं उसे बचाने के लिए और वो शायद अब डायरेक्ट जाएगी हेल के अंदर। हमारी भी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।